हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवी अपडेट दे लई। दोस्तों, PPSC वालों अज दी भर्ती जिहड़ी आउट हुई है, ओह आउट हुई है दोस्तों, हैड ड्राफ्टसमैन ते ड्राफ्टसमैन दी। ग्रुप बी दी इह भर्ती है, टैक्नीकल पोस्ट है, 119 पोस्टां ने। इन द डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड टूरिज्म एंड कल्चर अफेयरस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तिना विभागों के रखे जाने हैं। पूरी जानकारी देवे, सब तो पहला नोट कर लो, ये 25 पोस्टा सब तो पहला हैड ड्राफ्टमैन ग्रुप बी दिया ने, यह रखने जी म्यूनसीपल कारपोरेशन दे। दैन दो पोस्टा ने हैड ड्राफ्टमैन दिया रखे जाने इंपरूवमेंट ट्रस्ट च। दैन 46 पोस्टा ड्राफ्टमैन दिया रखे जाने जी म्यूनसीपल काउंसिल या नगर पंचायत के। दैन 43 पोस्टा ड्राफ्टमैन दिया रखे जाने म्यूनसीपल कारपोरेशन के। ये सारे लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर रखे जाने हैं। उस तो अगे दो पोस्ट है ये रखे जाने हैं जी इंपरूवमेंट ट्रस्ट, फिर उस तो बाद एक पोस्ट है ये रखे जाने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयरस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो इन्हों सिंगल ज्वाइंट कॉम्पीटेटिव एग्जाम होना है इन्ह सारिया 119 ड्राफ्टमैन दोस्टा के लिए। तो अगे आप पोस्टा देख लें, जिहड़ियां 25 पोस्टा ने उहदे विचों 8 पोस्टा वूमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व ने। उस तो बाद दो पोस्ट हैड ड्राफ्टमैन दिया, उहदे विचों एक पोस्ट वूमेन लई आ। दैन 46 पोस्ट है ड्राफ्टमैन दिया, उहदे विच तुहाडियां टोटल 17 पोस्टा वूमेन लई आ। 43 पोस्टा जिहड़ियां उहदे विच 12 वूमेन लई आ, ते दो पोस्टा जो एक वूमेन लई आ, ते लास्ट ते जिहड़ी एक पोस्ट है उह रिजर्व नहीं आ वूमेन लई, उह जनरल कैटेगरी दी एक पोस्ट है। तो उस तो बाद अगे चलते हैं दोस्तों, 35,400 की सैलरी मिलनी है, क्योंकि ग्रुप बी की यह भर्ती है, पर मंथ मिलनी है यह 3 साल के पीरियड के दौरान, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड तुहाडा होएगा। उस तो बाद क्वालिफिकेशन की गल करिए, हैड ड्राफ्टमैन के लिए डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग का और सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टमैन तुहाडे कोल होना चाहिए, या फिर ये बराबर का और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन पंजाब, ठीक है, या फिर ये बराबर का कोई कोर्स हो सिविल का टैक्नीकल एजुकेशन द्वारा, एजुकेशन बोर्ड है जो टैक्नीकल एजुकेशन बोर्ड तो किया हो, या फिर इन्होंने दसिया कि और फ्रॉम एनी अदर रैकगनाइज इंस्टीट्यूशन और हायर क्वालिफिकेशन द रेलीवेंट फील्ड फ्रॉम रैकगनाइज इंस्टीट्यूशन, या फिर जेकर तुहाडे कोल एसी स्ट्रीम दे विच सिविल दे विच ही हायर क्वालिफिकेशन आ, बीटेक वगैरह तुसीं कीती हुई आ, ठीक है, तां वी तुसीं इहदे च अपलाई कर सकदे हो। उस तो बाद एंड लिखिया जी, तां इहदे विच तुहाडे कोल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनीम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर वर्किंग एज अ ड्राफ्टमैन इन ए म्यूनसीपल कारपोरेशन या म्यूनसीपल काउंसिल या नगर पंचायत या इंपरूवमेंट ट्रस्ट या फिर ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी एक्सपीरियंस तुहाडे कोल 4 साल का होना चाहिए हैड ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। उस तो बाद जी ड्राफ्टमैन की पोस्ट है जी सिंपल ड्राफ्टमैन की है, वो इन्होंने सेम सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मंगया, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिविल ड्राफ्टमैन किया हो, या फिर ये बराबर का कोई सिविल का कोर्स किया हो टैक्नीकल एजुकेशन बोर्ड तो, ठीक है जी, तो या फिर हायर क्वालिफिकेशन हो इस फील्ड के भाव के बीटेक सिविल तुम्हें की है, तो भी तुम इस अपलाई कर सकते हो। उस तो बाद जी सिंपल ड्राफ्टमैन दोस्टा जिदे एक पोस्ट से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म वाली, उन्होंने लिखा कि शुड पोजैस 2 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल, 2 साल का तुहाडे कोल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल का फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI का जो 2 साल का सिविल का ड्राफ्टमैन का कोर्स किया होगा तुम्हें, या फिर जेकर हायर क्वालिफिकेशन है इस फील्ड के भी तुम्हें ये अपलाई कर सकते। 10वीं पंजाबी पास की हो जी, क्वालिफिकेशन तुहाडी 6 जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए आ। एज लिमिट है जी 1 जनवरी 2022 के अनुसार 18 से 37 साल है जी। सरकारी कर्मचारियों 45 साल, SC BC 42 साल, उस तो बाद विडोज डायवोर्सिज वूमन 42 साल, तो PWD कैंडिडेट्स 47 साल। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन है जी, रिटन एग्जाम होना ये 100 क्वेश्चन थोड़े सिलेबस के आने हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग मैंटल एबिलिटी से GK दे विच आने हैं, तो 120 क्वेश्चन है जी 480 मार्क्स के MCQ फॉरमेट के तुहाडा ये पेपर होना है। तो अगे मैं तुम्हें दसा कि ज्वाइंट कॉम्पीटेटिव एग्जाम होना है, तो उस तो बाद जो पेपर है तुहाडा इंग्लिश लैंग्वेज के ही होएगा, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होएगा, नैगेटिव मार्किंग होएगी,
उस तो बाद ड्यूरेशन थोड़ी 2 घंटे की होएगी यदि तो सिलेबस यदा दिता गया इस PDF के बिल्कुल लास्ट यदा सिलेबस दिता गया पूरा डिटेल के इंपोर्टेंट डेट्स नोट कर लो लास्ट डेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इज 6 जुलाई 2022 स्टार्ट डेट फॉर प्रिंटिंग सिस्टम जनरेटर बैंक चलान 7 जुलाई 2022 तो लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग सिस्टम जनरेटर बैंक चलान 14 जुलाई 2022 चलान जनरेट तुम 14 जुलाई तक कर सकते हो तो डिपोजिट जी फीस करनी 15 जुलाई 2022 तक कर सकते हो ठीक है जी। तो दैन उस तो बाद फीस वगैरह भी नोट कर लो SC ST BC कैंडिडेट 750 एक्स सर्विसमैन 500 EWS PWD एक्स सर्विसमैन डिस्कैंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन 500 तो जनरल स्पोर्ट्स के फ्रीडम फाइटर लिए 1500। तो जो तुम मल्टीपल पोस्टा अपलाई करते हो जिदे ज्वाइंट कॉम्पीटेटिव एग्जाम होना है वो जी तो एग्जामीनेशन फीस आ सिर्फ एक बार लगती है ठीक है। जिमें कि जेकर मान लो आप SC ST की गल करिए सिर्फ एग्जामीनेशन फीस 250 रुपये लगनी है ठीक है सिंगल एक बार लगनी है। उस तो बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ने मान लो तुम 5 तरह पोस्टा अपलाई कर रहे हो तो यह पंजा लिए वक्र वक्री लगने 500 500 ठीक है। तो उदा तुम अपना टोटल कर सकते हो कि जिन्नी तुम रिक्रूटमेंट्स लिए अपलाई कर रहे हो ज्वाइंट कॉम्पीटेटिव एग्जाम के अंडर तो उन्ने ही तुहाडे इहदे चार्जेस बन जाने। तो उस तो बाद मैं तुहानू सिलेबस दिखा दिना यदा सिलेबस दिता गया दोस्तों पार्ट ए का सिलेबस है जी जिदे पूरा डिटेल दस्या गया थोनों टॉपिक वाइज सिलेबस है थोड़ा सिविल का उस तो बाद पार्ट बी का सिलेबस है ये चैक कर लेना तो जी PDF है तुम्हें साढ़े टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इतों जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन चाहते यूट्यूब चैनल भी सबसक्राइब कर लो बैल आइकन दबा के रख लो ताकि हर वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों सत श्री अकाल।